आज तो पार्टी जम के तो गाइस के पास हो चुका है 12th में। ओ अभी सो के उठा है, मैं भी सो के उठा, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, कैसे पास हो गया है देखो। अबे ऐसा कैसे हो सकता है? तो गाइस देखो मैं पास हो चुका हूँ, आप लोगों की दुआ है मैं पास हो गया हुआ है। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी लोग, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हाँ मैं 12th में पास हो चुका हूँ और आज है जुमा, तो मैं जा रहा हूँ जुमा की नमाज पढ़ने। सैफ भी तैयार हो चुका है, आप सभी को भी जुमा मुबारक हमारे पूरी टीम की तरफ से। तो अभी मैं निकल रहा हूँ जुमा की नमाज पढ़ने। 2000 years later अभी हो चुकी है शाम और हम सब तैयार हो चुके हैं। जुमा पढ़ के कैफ आया था, सो गया था और हम चल रहे हैं पार्टी करने। किस चीज की? 30,000 और जो हम लोग पास हो गए 12th का एग्जाम उसकी पार्टी होगी। कैफ पास हो चुका है तो इस खुशी में मैं पहले ही आप लोगों से बोली थी लाइव में कि हम दो केक काटेंगे अगर कैफ पास हुआ तो सच में कैफ पास हो चुका है तो हम चलते हैं अभी। क्या लिखो? F और K दोनों के नाम के पहला लेटर। आज तो पार्टी जम के है, आज तो पार्टी जम के है। कितना डिटेल निकालते हैं ना, सब सिक्योरिटी के रीजन की वजह से। हम लोग तो इधर है सीधा सीधा जाओ, कोई जरूरत नहीं है साइन करने की। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भाई मेरे एक नंबर नीचे वेट कर रहे थे, बहुत साल का मिले। नहीं नहीं आप लोग ही रहे होंगे, बस बस हम लोग ही रह सकते हैं। पिछली पार्टी मिलते हैं उन लोगों को बुला ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। भाभी किधर है? भाभी चलते हैं, पहले भाभी से मिलते हैं। कमरे में लगता बैठी है क्या? दरवाजा खोलिए, सब्सक्राइबर आए हैं मिलने। वालेकुम अस्सलाम, चलिए आइए। अब हम आप लोगों को बता देते हैं, अब कैफ बता देता है केक क्यों दो कटेगा, ए बता दे। हजारों के लिए है जो सेलिब्रेशन और एक जो पास हो रहे उसका। दोनों जन फैज और कैफ दोनों पास हो चुके हैं ना, इस खुशी में केक यही कटेगा, पार्टी यही होगी। इस चीज में से जला लो नेकी में बत्ती। हाँ, अरे नहीं नहीं उसमें क्या है, इसके लिए बोलते हैं घर में पुराने लोग चाहिए ही। देखिए कैसे इजी हो गया ना। सही दोनों जन। 1 2 3 रुको एक मिनट, एक मिनट क्या हुआ? कैफ के पर भी गिरा ना तो फुटा ही नहीं, आवाज ही नहीं आई। ये भी ऐसी हो गया, दोनों साथ में खिलाओ, एक इधर से एक दूसरे को खिलाओ। फूक लो सही, फूकी तो नहीं। अरे अब ठीक है, लो नाइस। मम्मी को खिलाओ, छोटी मम्मी बड़ी मम्मी छोटी बड़ी खा लो। चल 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 बाहरों फूल बरसाओ, बाहरों फूल बरसाओ। जड़मान पे जड़मान जल पल जड़मान। अल्लाह खुश रखे तुम लोग को, खुश रब आलमीन आगे बढ़ाए। अल्लाह हम लोग केक कट चुका है, हम लोग नहीं खाए।
सही है। चिल्लो। नाइस, थैंक यू। एक खाओ, एक लम्बा केक है भाई। आप लोग को भी हम खिला रहे हैं। सुनो सुनो, ये पीस सिक्स आपके लिए है, अभिराज के लिए, उसके बाद मैं खा रहा हूँ। चलना ही है ना भाई, कौन सा भाई है? हाँ निकलेंगे, इधर देखिए अभी नाश्ता भी आके रखा हुआ है। अब निकलेंगे हम लोग घर पे, कल एनिवर्सरी भी है, आप लोग आओ। भेज देंगे, ये क्या करेंगे आप? तू रहेगा इधर? क्या प्लान है दोनों, क्या प्लान बना रहे, क्या बता? प्लान बना भी नहीं अभी, नहीं बनना अभी, बात नहीं हुआ। बात होगी, बात A few moments later. सोच के तो आई थी कि आधी घंटे में निकल जाएंगे, लेकिन काफी टाइम हो चुका, साढ़े आठ बज रहा है, अभी हम निकलते हैं और कैफ नहीं जाएगा। चलो बाय बाय सब लोग, अल्लाह बाय गाइस। कैफ नहीं चलना है, सब कॉलेज के फ्रेंड मिल गए हैं कैफ को, अभी हम निकलते हैं, जल्दी आना है। मुझ भी फिदा लग रहा है। अभी मेराज मुझे लेने के लिए आए हैं, क्योंकि कैफ नहीं जा रहा है, कैफ के कॉलेज के सब फ्रेंड आ चुके हैं ना, तो वो लोग लगता है फिर से केक काटेंगे तब आएंगे, इसके लिए मेराज मुझे लेने आए। हमारे भाभी बोल रही हैं यहाँ की चाय पीने के लिए, कौन सी चाय है बताएं जरा? ईरानी चाय है, चलिए मैं आपको वो चाय पिलाती हूँ, बहुत अच्छी चाय मिलती है ईरानी। चलते हैं यहाँ की ईरानी चाय पी के, हाँ। फिर घर के लिए निकलते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। बात नहीं, रात अपनी है, चलो ईरानी चाय पीते हैं। चाय पीते हैं, भाभी मुझे लगता है ना यहाँ चाय हमेशा पीने आती है, मैं हमेशा उधर से हाथ दे रहे हैं आपको, लगता है चाय यहीं से पीती हूँ मुझे लगता है, जब मैं आरी फंक्शन में जाती हूँ ना, तो फिर आरी पीने चाहिए। अच्छा चलो हम ट्राई करते हैं। वेरी गुड, ईरानी चाय। ये हमारे अनिल भाई खा रहे हैं, इसे ब्लॉग है, ईरानी ब्लॉग है, बहुत अच्छी चाय है, मजा आ गया चाय अच्छी लगी। आज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, भाभी मसाला पीस रही थी और वाटी छटक के आंख में ही चली गई मिर्ची। सेसा अंडा बना रहे हैं, दिखाओ जरा। वालेकुम अस्सलाम, देख क्या हो गया। क्या हो गया? मसाला वाटी छटक के आंख में ही सीधा चला गया। थोड़ा यार इतना क्या करती है? अरे तेरे पास इतना फोन कर रही हूँ, कैफ आ रहा कि नहीं, आ रहा कि नहीं, तब तक वाटी छटक गई। ये क्या लाया? अच्छा इतना थोड़ा तो एहतियात बरता करो, तुम लोग क्या करते हो? तो कैमरा चालू है, कैमरा चालू है तो डांटू नहीं क्या? तो गाइस अभी हो चुकी है सुबह और हम रात को वहाँ से आए तो जल्दी जल्दी खाना बना रहे थे, तो मसाले की वाटी ऐसे हाथ से छूट के और सीधा मेरे मुंह पे आ गई, सब आँख में मसाला चला गया था मुझे, तो मैं क्या की खाना वाना खा के फिर सो गई थी, ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी। आई होप हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों में शेयर करना। और हम अब जा रहे हैं तैयारी करने, हमारी एनिवर्सरी है, हम सब तैयारी कर रहे हैं, कल का ब्लॉग देखना मत भूलना। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, वैसे भी ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।